फन चैनल में सिखाऊंगी कि आप कैसे सूजी का केक बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1.5 कप हमें सूजी चाहिए होगी। इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, जो वो हमारी सूजी थी उसको अब हम एक बाउल में डाल देंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे हमारी सूजी पहली से ही बारीक है, तो उसको हमें ब्लेंडर में ब्लेंड करने की क्या ज़रूरत। तो अगर आप ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे तो इससे आपका एक अच्छा सा फाइन सा पाउडर बन जाएगा, जिससे हमारा केक बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट केक बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ब्लेंड ज़रूर करना है। अच्छा, अब हम इसमें 1 कप गुड़ डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे घर में गुड़ यूज़ होता है तो हम गुड़ डाल रहे हैं। आप चीनी भी डाल सकते हैं इसी मेजरमेंट पे, ठीक है ना। और अब हम इसमें 1/2 कप इसमें ऑयल डाल देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाला है क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है तभी, ठीक है ना। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब हम इसमें मिल्क डालेंगे, रूम टेम्परेचर वाला, ठीक है, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम और मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें, इसमें से 1/4 कप हमने अब अलग रख दिया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब हम इसको एक मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब हम इसको 2 मिनट तक मिक्स करेंगे, और लेकिन एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। जब तक हमारा जो केक का बैटर है वो रेस्ट पे है, तो तब तक हम आपको बताते हैं कि कैसे विदाउट ओवन आप केक बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कोई सा भी आप पुराना तवा ले लें, और उसके ऊपर कोई सी भी आप डेगची ले लें, और उस डेगची के अंदर आप एक स्टैंड रख लें और ऐसे इस पे लिड लगा के रख लें। जब तक हमारा केक का बैटर रेस्ट पे है, तब तक हम इसकी और तैयारियां कर लेते हैं। तो इधर हमने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इधर हमने काजू लिया है, इधर हमने तिल लिए हैं सफ़ेद तिल, और इधर हमने कोकोनट क्रश हुआ वाला लिया है, ठीक है। और इधर आप टूटी फ्रूटी भी ले सकते हैं, मुझे टूटी फ्रूटी बहुत अच्छी लगती है तभी मैंने इधर टूटी फ्रूटी भी ली है, ठीक है। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे टूटी फ्रूटी, और अब हम इसके ऊपर एक चाय की चम्मच हम इसके ऊपर सूजी डाल देंगे, ठीक है, और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोग कह रहे कि हमने इसमें सूजी क्यों डाली है, वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों का ये होता है कि वो कुछ भी डालते हैं, जैसे बादाम हो गए, पिस्ते हो गए केक में अपने, तो वो उनके बेस में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम ऐसे सूजी डाल देंगे ना, तो वो जो है ना वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा ये सारी चीज़ें हमारी, ठीक है ना, वो बेस में जाके बैठेंगी नहीं, इससे ये होगा फ़ायदा हमें। अच्छा जी, तो ये अब मिक्स हो गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। अच्छा, इधर आप कोई सा भी मोल्ड ले लेंगे, ठीक है, और आप इसको क्या करेंगे कि ग्रीस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रीसिंग के लिए हमें बहुत थोड़ा सा ऑयल चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बस थोड़ा सा, कि केक जो है हमारा वो चिपके, ठीक है ना। ऐसे साइडों पे भी हम लगाएंगे, बेस पे, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि इसमें इर्गिर्द सूजी ऐसे करके डालते हैं,
फैलाने के लिए ऐसे ही हमने करना, ताकि सूजी जो है ये सारी तरफ फैल जाए। ठीक है, अच्छा तो इधर हम बढ़ते हैं अपने बैटर की तरफ। तो ये देखें ये कितना अच्छे से हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। ठीक है, और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, जो आम हम घर के खाने में यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि और इधर हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टूटी फूटी मिक्सचर था वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और जो हमने 1/4 कप जो मिल्क अलग साइड पर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐसे मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड, इस वाले फॉर्मूले पे हम ऐसे मिक्स करेंगे इसको, कट एंड फोल्ड। ठीक है ना, ऐसे फोल्ड और फिर कट, ऐसे फोल्ड और फिर कट। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे के मिक्सर से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, लेकिन एक ही डायरेक्शन। अच्छा, ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है 2 मिनट तक, ये ध्यान में बात आप रखना। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बार टैप टैप कर लेंगे। और अच्छा, अब ये जो हमारा जो बैटर था ये हम अपने मोल्ड में डाल लेंगे। अच्छा, ऊपर डेकोरेशन के लिए भी हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे, लेकिन वही मेथड होगा कि थोड़ी सी आप सूजी डाल के इसको मिक्स कर लें। ठीक है, और फिर ये आप इसके ऊपर डाल लें, और अब हम इसको अपने प्री हीटेड ओवन के अंदर रख देंगे मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे तक। अच्छा, आफ्टर 32 और 45 मिनट्स बाद हम इसको चेक करने आएंगे कि पक गया है या नहीं, और ऐसे लिड लगा के हम रख देंगे। अच्छा जी, तो ये देखें ये हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि अच्छा, तो हमने उस डेगची से बाहर निकाल लिया है, लेकिन इस मोल्ड से अभी हम नहीं निकालेंगे जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा ना हो जाए। तो ये देखें ये हमारा केक रेडी है। आप चाहें तो इसके ऊपर टॉपिंग के तौर से आप इनके साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे मंसूर खान चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।